नमस्कार, मैं अक्षय गोले आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ फिजिक्स विद अक्षय गोले में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल ऑन इलास्टिसिटी। लेकिन इससे पहले कि हमने जो वीडियोस किए हैं वो अगर आपके मिस हो चुके हैं तो इस ऊपर दिए हुए आई बटन पे जरूर क्लिक करना। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन पे जरूर हिट करना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3×10⁻¹⁵ मीटर स्क्वायर स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया 4.0×10⁻¹⁵ मीटर स्क्वायर अंडर अ गिवन लोड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। तो इस वीडियो में हमें क्या करना है, इस वीडियो में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। किसका रेशियो? तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर का। सो ये तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। ओके, सो कंसिडर करो कि ये एक वायर है जिसको हमने एक रिजिड सपोर्ट से टाई अप किया है और इसकी लेंथ है एल। ठीक है, अब इस वायर को हम कुछ मास अप्लाई कर देते हैं जिस मास की वजह से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। फाइन, वो फोर्स अप्लाई होने के बाद ये जो वायर है वो स्ट्रेच हो जाएगी और ये कुछ लेंथ उसका बढ़ जाएगा। मतलब ये वायर जो है जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल एल, वो अभी स्ट्रेच हो गई है। जिस लेंथ से स्ट्रेच हुई है वो है स्मॉल एल। फाइन, सो अभी इस ये जो वायर है जो स्ट्रेच हो चुकी है, इसका यंग्स मॉड्यूलस हमें फाइंड आउट करना है। सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वायर फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन से y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। अब भाई आप बताओ इसमें स्ट्रेस क्या है? सो स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू f अपॉन a। अब ये स्ट्रेंथ क्या होता है? अगर हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। एक्चुअली स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये होता है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन हम यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओके। सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एल स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। Therefore, अपना जो यंग्स मॉड्यूलस का ऊपर का जो इक्वेशन था वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। सो अभी ऊपर दिया गया जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो हमें बताया गया है कि हमें फाइंड आउट करना है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। सो हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील ऐसे फाइंड आउट करते हैं कर सकते हैं कि वाई एस इज इक्वल टू एफ एस एल एस अपॉन ए एस इंटू स्मॉल एल S, so S stands for steel, okay। और कॉपर के लिए यही इक्वेशन हो जाएगा YC is equal to FC into capital LC upon AC into small LC, ठीक है? So YS upon YC is equal to FS FS LS upon AS LS divided by FC LC upon AC LC। ओके, सो YS अपॉन YC की वैल्यू तो इक्वेशन तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं और क्या कंडीशन दी गई है इस इक्वेशन में। सो इस इक्वेशन में हमें बताया गया है कि FS इज इक्वल टू FC। सो दोनों के अलोंग जो मास, मतलब दोनों वायर को जो भी मास अटैच किया है वो सेम मास है, इसलिए दोनों वायर के ऊपर फोर्स जो भी एक्ट होगा वो भी सेम फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, और दोनों की लेंथ जो चेंज होने वाली है, मतलब चेंज इन लेंथ दोनों यहाँ पे स्टील में भी और कॉपर में भी, वो दोनों सेम ही है। ठीक है, सो ये जो अबव इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, वाई एस अपॉन वाई सी इज इक्वल टू कैपिटल एल एस अपॉन ए एस इंटू एल सी अपॉन ए सी। ओके, सो अपना इक्वेशन हो चुका है वाई एस अपॉन वाई सी इज इक्वल टू एल एस अपॉन ए एस इंटू ए सी अपॉन एल सी। सो इस इक्वेशन में जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज डाल देते हैं। एल एस की वैल्यू है 4.7, ए सी की वैल्यू है 4.0×10⁻¹⁵,
AS की वैल्यू है 3.0 into 10 raise to minus 5 और LC की वैल्यू है 3.5. कैलकुलेट करते हैं, हमें इसका आंसर मिल जाएगा YS upon YC is equal to 1.79. दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ आपको नेक्स्ट वीडियो किस न्यूमेरिकल पे चाहिए वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।